हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए रेस्क्यू ऑपरेशन पे आए हैं रणथंभौर और हमारे अमरेश्वर गेट से थोड़ा सा पहले। यहाँ हमको इन्फॉर्मेशन मिली एक ढाबे पे, जो डीप फ्रीज होता है ढाबे का, उसके अंदर आके एक स्नेक बैठ गया है और हमको स्नेक दिख चुका है, बेबी कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी है, ज्यादा बड़ा स्नेक नहीं है। और हम यहाँ तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, मेरे साथ वंश राव मौजूद है, जिशांत खान मौजूद है, एक डब्बा मंगवा था, सामने छोड़ देंगे, सामने पटक देंगे, डब्बा मंगवा देना, तेरे खड़े दिन किए गया डब्बा मंगवा दे, मैं तेरे कितनी बार गया खाली करके दे अरे ना थोड़ी तो, अरे हाँ दोस्तों, हम इसको कैच कर चुके हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी है, हाईली वेनम स्नेक होता है, न्यूरोटॉक्सिक इसका वेनम होता है और काफी तो दोस्तों ये हमारा रणथंभौर फॉरेस्ट जो है वहीं पे ही है, तो हम इसको कहीं और नहीं लेके जाएंगे, सामने ही बाहर छोड़ देंगे खुले में। इस दीवार के पीछे हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क का जंगल है ना, और हम यहीं से इसको अंदर रिलीज कर देंगे। समीर भाई केस डालेगा, समीर भाई स्टिक रख दियो ऊपर, स्टिक रख दो ऊपर ऐसे कैसे, हाँ इसका मुंह ऊपर रखवा दे बस। दोस्तों ये जा रहा है अंदर जंगल में और ये अपना जीवन जिएगा आगे, अंदर ये जा चुका है जंगल में, घना जंगल है हमारा नेशनल पार्क का और उसी की बाउंड्री वॉल है ये, और ढाबे के अंदर ये डीप फ्रीज में घुसा था जैसा आपने देखा, वहाँ से हमने इसको निकाल के रेस्क्यू करा, हो सकता था ये अगर नज़र में ना आता तो किसी को काट लेता, कोई जनानी हो सकती थी, और हम ना पहुँचते इस मौके पे तो हो सकता था ये लोग उस सांप को मार भी देते, तो हमने इसको आके सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करा, जंगल में आगे आजाद कर दिया जिससे इसका जीवन बच गया और अपने आगे का जीवन जी लेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी नए रेस्क्यू पे, किसी नई जीव की जान बचाते हुए।